हेलो गुड मॉर्निंग ऑल दियर स्टूडेंट्स. सो अगेन वेलकम इन माई इंग्लिश क्लास. सो स्टूडेंट्स एज यू नो दैट राइट नाउ वी आर डूइंग डिविजन्स. ओके हम लोग डिविजन्स कर रहे हैं चैप्टर्स के. सो इन लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन नाउ नेक्स्ट चैप्टर. ओके सो नेक्स्ट चैप्टर इज वर्ड टॉक. इफ यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर वर्क दैन यू कैन डू इन अ नोटबुक. अदरवाइज नो नीड टू राइट. आपको राइट नहीं करना है, बस वीडियो देखनी है, बस दैट्स ऑल. आपको मेरी ये वीडियो जो मैं भेजती हूँ देख लिया करो. ओके इससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा और आप लर्न कर लोगे, रीडिंग कर लोगे बराबर, है ना. ओके सो चैप्टर 3 है वर्ड टॉक. वर्ड टॉक में क्या था? वर्ड टॉक में ये था कि वर्ड टॉक चैप्टर में जो तो वर्ड्स होती हैं उनका नाम होता है क्या नाम रॉबिन और जे होता है, तो वो लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो लोग होते हैं, इंसान कितने फनी होते हैं. मतलब उनके हिसाब से क्या होता है, जैसे सपोज़ हम इंसान हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो अगर हम किसी भी जानवर को देखते हैं तो हम लोग भी कैसे फील करते हैं, वाओ ये कैसा है, पता नहीं कैसे रहता है ये एनिमल, इसके देखो जरा हेयर है पूरी बॉडी पे, तो हमें भी इसको देख के ऑकवर्ड लगता है. ऐसे ही उनको वर्ड्स को हम लोगों को देख के लगता होगा ऑकवर्ड कि ये लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, ना कीड़े खाते हैं, ना मिट्टी में से निकाल के, ना ही वायरस पे बैठते हैं, ना ही इनके पंख हैं, ना ही ये उड़ पाते हैं. तो ये सोचते हैं कि ये इंसान कैसे हैं, कितने अजीब हैं. मतलब ना ही ऐसे जैसे हम लोग घोंसले में रहते हैं वैसे भी नहीं रहते हैं, तो उनके लिए हम बहुत वियर्ड हैं. तो वो वही बातें करते हैं और इस चैप्टर में वही उन्हीं की कहानी है, देखते हैं क्या है. ओके सो लेट्स सी फर्स्ट हमारे वर्ड्स मीनिंग. आई नो मोस्टली बच्चों को आता है, रिवीजन हो चुका है उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा. मैं बोल दूँ कुछ बच्चे बहुत एक्टिव हैं क्लास में, लाइक 3rd में बात करूँ मैं वर्नीत, गुरनिमरत एंड मेरे पास इन सब के बहुत सारे काम आते हैं, लाइक अश्मीत हो गया और क्लास में और बच्चे भी हैं, हरगुन हो गया, और मोस्टली बच्चे हैं पर जिनकी वीडियोस नहीं आती है. हम सपोज़ हमने आप लोगों से कहते थे वीडियोस दे दिया करिए, आप लोग वीडियो सेंड नहीं करते हैं. और एक गुरमन है, गुरमन भी बहुत अच्छा है, मतलब काम मतलब आप लोग लर्न करते भी हो, काम भी करते हो, बस कुछ चीज़ें क्या होते हैं ना, आप लोग जब सेंड नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो जाता है ना. जब काम करा करो तो उसके बाद सेंड भी करा करो, है ना. उससे क्या होता है हमारे पास आइडिया रहता है कि किसका काम कितना है, कितना नहीं हुआ है, और इस वजह से बच्चों का जान भी नहीं पाते हैं. ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. ऐसे अर्पित है, कुछ बच्चे काम करते हैं, एक्टिव भी हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, मतलब बात मानते हैं. जब मैं कहती हूँ वीडियोस बनानी है तो वीडियो बना देते हैं, असेंबली की वीडियो बनानी होती है सब बच्चों को, तो कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ बच्चे बनाते ही नहीं हैं. अब मैं नेक्स्ट वीडियो से उन बच्चों का नाम लेने वाली हूँ जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आजकल चीज़ों में. ओके सो ध्यान से सुनिएगा, मैं नाम दिखाऊँगी, आप उनके नाम भी बोलूँगी कौन नहीं करता है. ओके सो लेट्स सी वर्ड्स मीनिंग के. हमारे पास पहला वर्ड है बीटल्स. बीटल्स क्या होता है? बीटल्स होते हैं कीड़े मकोड़े. नेम ऑफ एन इंसेक्ट, एक कीड़ा होता है उसका नाम होता है बीटल. ओके सो नेम ऑफ एन इंसेक्ट इज कॉल्ड बीटल. सिटिंग मतलब बैठना. टू बी इन अ पार्टिकुलर पोजिशन, एक पोजिशन बैठने को बोलते हैं हम सिटिंग. टू बी इन अ पार्टिकुलर पोजिशन. ओके नंबर 3rd है वायर्स. वायर्स क्या होता है? थिन फ्लेक्सीबल रॉड. एक बहुत ही पतला सा क्या होता है, रॉड ही बोल देंगे लोग, क्योंकि उसमें आयरन जो कुछ मिला होता है तो वो बहुत पतली सी होती है, उसको बोलते हैं हम वायर. ओके फनी कोई चीज़ बहुत, उसको देखिए हंसी आ रही है, मैं उसको बोलेंगे कॉजिंग लॉफ्टर होता है ना, तो बोलेंगे वो चीज़ इतनी फनी है. सो बीटल्स का क्या है? बीटल्स हो गया हमारे पास नेम ऑफ इंसेक्ट. सिटिंग हो गया टू बी इन अ पार्टिकुलर पोजिशन. नंबर 3 वायर्स, थिन फ्लेक्सीबल रॉड. नंबर 4 है फनी, कॉजिंग लॉफ्टर. अब आते हैं फॉर्म सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू फॉर्म सेंटेंसेस. ओके सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. पहला हमारे पास बीटल्स. बीटल्स है, बीटल्स से बनेगा द बीटल केम क्लोज टू माई हैंड. जो कीड़ा था वो मेरे हाथ के पास में आ गया और हम डर गए. कौन कौन डरता है कीड़ों से? तो क्या है, द बीटल्स केम क्लोज टू माई हैंड. और क्लास में कुछ बच्चे हैं मैं बता दूं, लाइक अनिका है और कनिष्का है, कुछ बच्चे और भी हैं न्यू, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी अच्छे से काम टाइमली करते हैं, सेंड भी करते हैं. बट हाँ
वीडियोस का कुछ कुछ की आती हैं और कुछ की नहीं आती हैं वीडियोस, उसका ध्यान रखिएगा, वीडियोस टाइमली सेंड करा करिएगा, ठीक है। और कॉम्पिटिशन्स पे पार्टिसिपेट करा करिए, अच्छा होता है, अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी पोजीशन आए, ओके, बट हाँ पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है ना। नंबर टू है वायर्स। वायर्स में क्या, वी नीड अ लॉन्ग वायर टू कनेक्ट द टेलीविज़न, ठीक है। हमें बहुत लंबा सा वायर चाहिए होता है क्या 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 कनेक्ट करने के लिए, टीवी कनेक्ट करने के लिए, ओके। नंबर थ्री है फनी। इट वॉज अ फनी स्टोरी टू रीड, बहुत ही फनी स्टोरी थी रीड करने के लिए। नंबर फोर है सिटिंग। सिटिंग क्या हो गया, माई मदर वॉज सिटिंग इन द बालकनी सिपिंग टी। मेरी मम्मा थी बालकनी में बैठी हुई थी और चाय को सिप कर रही थी, पी रही थी बस। तो कौन कौन से पढ़ा हमने, बीटल, द बीटल केम क्लोज टू माई हैंड। नंबर टू वायर्स, वी नीड अ लॉन्ग वायर टू कनेक्ट द टेलीविज़न। नंबर थ्री फनी, इट वॉज अ फनी स्टोरी टू रीड। नंबर फोर सिटिंग, माई मदर वॉज सिटिंग इन द बालकनी सिपिंग टी, ओके। सो अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला वर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द टू वर्ड्स इन द पोयम। पोयम में कौन से दो वर्ड्स होंगे, नेम बताने हैं। पहला वर्ड है द टू वर्ड्स आर रॉबिन एंड जे। कौन कौन से वर्ड्स है, द टू वर्ड्स आर रॉबिन एंड जे, साथ में रीड करेंगे, द टू वर्ड्स आर रॉबिन एंड जे। नंबर टू है क्वेश्चन, नंबर है व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू। ऐसे कौन से चार चीज़ें हैं जो इंसान नहीं कर सकते हैं। द थ्री थिंग्स ऑफ, थ्री थिंग्स पूछिए, कौन सी थ्री थिंग्स हैं जो ह्यूमंस नहीं कर पाते हैं। दे कैन नॉट फ्लाई, हम लोग उड़ नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट सिट ऑन वायर्स, हम लोग पतले पतले तारों पर नहीं बैठते हैं। दे कांट्स गैट फीदर्स एंड विंग्स, ना ही हम इंसानों के पंख और फीदर आ पाएंगे। सो क्योंकि थ्री थिंग्स हैं, दे कैन नॉट फ्लाई, दे कैन नॉट सिट ऑन वायर्स, दे कैन नॉट गैट फीदर्स एंड विंग्स, ओके। सो नंबर थ्री क्वेश्चन है, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। जो बर्ड्स होती हैं वो इंसानों के बारे में क्या सोचती हैं। बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर वेरी फनी, वो सोचती हैं कि जो हम इंसान हैं वो कितने फनी हैं। सो बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर वेरी फनी, ओके। सो और कौन सा क्वेश्चन नंबर वन हो गया हमारा, नेम द टू वर्ड्स इन द पोयम, द टू वर्ड्स आर रॉबिन एंड जे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कैन नॉट डू। द थ्री थिंग्स दैट पीपल कान डू आर, दे कांट फ्लाई, दे कैन नॉट सिट ऑन वायर, दे कांट गेट फीदर्स एंड विंग्स। नंबर थ्री, व्हाट डू वर्ड्स थिंक ऑफ पीपल, वर्ड्स थिंक दैट पीपल आर वेरी फनी। और हाँ मैं एक बात बता दूँ, कुछ बच्चे क्लास में ऐसे हैं लाइक वो डेली अटेंड करते हैं क्लास, काम भी करते हैं, बस हाँ सैंडवेंड नहीं करते हैं काम, मुझे पता नहीं कब काम सारा कंप्लीट आता है, बट हाँ मुझे कभी कभी इन्फॉर्म कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिशन्स में, एक आकांक्षा, आकांक्षा है वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती है, और निकुंज, कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छे से उनका काम भी अच्छे से आता है। मेरे पास जितने बच्चों को मैंने नेम लिए हैं ना, इसके अलावा और भी सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, बट क्या होता है ना, आप लोग एक्टिव नहीं रहते बेटा। एक्टिव मतलब आप मुझे काम सेंड नहीं करते हो, सेंड नहीं करोगे तो ना आपकी, कुछ लोग की तो वीडियोस भी नहीं आती हैं, क्लास भी अटेंड कम करते हो, लाइव क्लास भी अटेंड नहीं करते हैं। तो जो आपकी लाइव क्लास होगी, अब आपकी लाइव क्लास होगी जो आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम्स की बात होगी तो मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे लाइव क्लास अटेंड करें, ओके। राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है, आपको राइमिंग वर्ड बताने हैं। सो पहला राइमिंग, डे का हो जाएगा वे और हे, थिंक का हो जाएगा ब्लिंक और लिंक, ईट का हो जाएगा सीट और बीट, सिंग का विंग और किंग, फनी का हनी और मनी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज रिविज़न, आपका इतना बहुत है आज के लिए, हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाला करेंगे, ओके। दैट्स ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।